हेलो जी, आप मुझे देख पा रहे हैं? मैं अभय आपके सामने फिर कुछ बातें लेके हाजिर हुआ हूँ। हेलो, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? दोस्तों, आज पूरा देश जो है वो संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो मना रहा है। 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको नाफिस किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जो भारत का जो संविधान है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको एडॉप्ट किया था। तो आज का दिन बहुत ही अहम है क्योंकि आज ही के रोज यानी 26 नवंबर को 1949 में भारत का जो संविधान है वो एक लंबे डिस्कशन के बाद बन के तैयार हुआ और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको एडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को यानी एक साल बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना और हमारे देश में एक लोकतंत्र आया, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बड़ा योगदान है। अगर कहा जाए कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में जो अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, जो प्रोग्रेसिव बातें हैं, अगर वो उसके अंदर में दर्ज है तो इसका एक बड़ा श्रेय जो है वो बाबा साहब अंबेडकर को जाता है। तो मैंने यही सोचा कि मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में क्या पढ़ा है, क्या मैं जानता हूँ, उसके बारे में कुछ आपके सामने साथ अपनी कुछ बातें को साझा करूँ। और मैं बताऊँ कि क्यों डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इंडिया के लिए और इंडिया से बाहर भी, लेकिन पहले इंडियन जो हैं, जो इंडिया वाले जो लोग हैं वो पहले डॉक्टर अंबेडकर को अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी खुद की जिंदगी से एग्जाम्पल्स लेके आपको बताना चाहूँगा। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। मेरा संबंध, मेरा ताल्लुक बिहार से है और जहाँ हम रहते थे, जिस इलाके में रहते थे, वहाँ पे जिस तरह से मेन स्ट्रीम, जैसे लोगों के बारे में मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के जो जो सरकारी बड़े बड़े जो नेता लोग हैं या जो महापुरुष हैं, सरकारी महापुरुष, उन्हीं के बारे में हम लोग जानते थे, ज़्यादा मैं भी नहीं जानता था। हुआ क्या कि मैं दिल्ली भी आ गया तो थोड़ा बहुत तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मैंने जाना, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मैंने पढ़ना तब शुरू किया जब मैं एमए के लिए जेएनयू का जो इंट्रेंस टेस्ट है, जो दाखिला का जो इम्तिहान होता है, उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था। तो उसमें एक सवाल जो है वो काफ़ी, मतलब पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में काफ़ी आता था कि डॉक्टर अंबेडकर का और गांधी जी का जो विचार है वो जात पात पे कैसे अलग है,
या कैसे गांधी जी के विचार और अंबेडकर जी के विचार जो थे एक दूसरे से अलग थे, इस तरह के सवाल आते थे। पूना पैट के बारे में भी सवाल आता था कि पूना पैट क्या है, पूना पैट को आप कैसे समझते हैं, पूना पैट की अहमियत क्या है। तो मैं भी लोगों से पूछता था ये पूना पैट क्या है, ये डॉक्टर अंबेडकर ने जात पात के बारे में क्या कहा है। तो ये चीज मैं भी लोगों से पूछा करता था, और इसी क्रम में मैंने डॉक्टर अंबेडकर को भी पढ़ना शुरू किया। और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने भारतीय चिंतक यानी जो भारत के पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनमें अगर मैंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को पढ़ा है वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं आजकल, डॉक्टर अंबेडकर के चाहने वाले भी डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, और जिनका डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं है वो भी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बड़े बड़े दावा करते हैं, अपने आप को उनका भक्त दिखाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसके बारे में बात की जाए, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। और दोस्तों मैंने ये सोचा है कि मैं डॉक्टर अंबेडकर की जो लेखनी है, जो उनकी राइटिंग्स हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं। और मैंने सोचा है अगर आप लोग का सहयोग मिला तो कि मैं डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार हैं, जो उनके थॉट्स हैं, उनके जो अफकार हैं, उसको एक मीटिंग में और एक फेसबुक लाइव में उसको न सिमटा जाए, क्योंकि उनका जो उनके जो विचार हैं वो ज़ात बिरादरी के बारे में भी हैं, उनके विचार जो है वो जाति सिस्टम के बारे में हैं, उनका जो विचार है वो आपको अनटचेबिलिटी माने छूत अछूत के बारे में भी है, उनके विचार जो हैं बुद्धिज्म यानी बुद्ध मत के बारे में भी है, उनका विचार जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में भी है, लोकतंत्र के बारे में भी है, उनका विचार प्रतिनिधित्व नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन इसके बारे में भी है, उनके जो विचार हैं वो माइनॉरिटी राइट्स यानी अल्पसंख्यक के क्या अधिकार होने चाहिए इसके बारे में भी है, उनके विचार स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, राज्य किस तरह से गरीबों को वंचितों के लिए उनके सामाजिक उत्थान के लिए उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम करेगा इसके ऊपर भी है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने तकरीबन 20 वॉल्यूम से भी ज़्यादा, इतनी मोटी मोटी जो वॉल्यूम है उसमें 20 से भी ज़्यादा उनकी किताबें हैं, सब मौजूद है आपको नेट पे, सब मिल जाएगा, सब गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आज कहाँ से बात शुरू करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मैं आज ज़रूर कहूँगा मैं कैसे डॉक्टर अंबेडकर को देखता हूँ, डॉक्टर अंबेडकर की क्या अहमियत है इसके बारे में मैं यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे रखूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर की लेखनी, उनकी जो तहरीर है, उनकी जो राइटिंग्स हैं, उस पे मैं समय समय पर आपके साथ उनकी राइटिंग्स का हवाला ले उस पे बात करेंगे, और आप लोग भी अपना सुझाव दीजिए, क्योंकि हमें अपने महापुरुष जो हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनकी बातों को हमें जानना है, क्योंकि उनकी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से संघर्ष में बीती है, उन्होंने पूरी जिंदगी कौम के लिए मिल्लत के लिए उन्होंने लगा दी है। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, नई जनरेशन जानना चाहती है अंबेडकर के बारे में। तो मैंने सोचा कि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और एक मैं टीचर भी हूँ, तो मैं क्या समझता हूँ आप लोगों के सामने मैं शेयर करूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा मैं बताऊं कि डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म कहाँ हुआ था, डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में कुछ ये बता दूं, क्योंकि बहुत लोग होंगे कि वो भी उनको उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी, मुझे भी नहीं थी, बता रहा हूँ। अगर आप कोशिश करेंगे अंबेडकर साहब को जानने की तो जान जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, हम लोगों को भी पता नहीं था, दिल से मैं कहता हूँ। हम लोग भी यहाँ जब JNU में उसकी तैयारी करते थे उसी दौरान मैंने
पढ़ाई की, क्योंकि आपको पता ही है नेता लोग ज़्यादा अंबेडकर जी को आगे लेके जाना नहीं चाहते हैं, और उनको दबाया भी गया है अंबेडकर जी को। अब देखिए, जिस आदमी ने भारत का जो संविधान है उसको लिखने में और उसमें अच्छी अच्छी बातें डालने में, वंचित तबके के हुकूक की, उनके अधिकार की बात करने के लिए जिस आदमी ने पूरी जिंदगी लगा दी, उस इंसान को भारत रत्न कब दिया गया? उनको भारत रत्न दिया गया 1990 में, 40 साल बाद। और जो भारत रत्न लेने वाले कौन लोग थे? तो भारत रत्न लेने वाले वही लोग हैं जो भारत रत्न किसको देना है उसको डिसाइड करने वाले लोग हैं। अब देख लीजिए नाम उसमें किन किन लोगों का नाम है, मतलब अवार्ड देने वाला भी मैं और अवार्ड लेने वाला भी मैं। सरकार जिसकी थी उन्हें ने सबसे पहले खुद ही को अवार्ड ले लिया। तो ये भी हकीकत है कि उनको दबाया गया। लेकिन लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि आप फूल को कुचल सकते हैं लेकिन आप जो है स्प्रिंग, जो बसंत का जो मौसम होता है, जो फूल के खिलने का मौसम होता है, उसको आप नहीं दबा सकते। आप पेड़ पौधे उजाड़ सकते हैं लेकिन बसंत को कैसे रोक देंगे आप? ये तो कोई नहीं रोक सकता है। तो अंबेडकर जी का जो विचार था वो धीरे धीरे दलित आंदोलन की वजह से काफ़ी आगे आया और लोग धीरे धीरे उसको समझने लगे। और अब वो विचार इस कदर फैल गया है कि जो लोगों को उनके विचार से कुछ लेना देना नहीं था, जी ब्राह्मण के बारे में क्या सोचना है आ रहे हैं, ब्राह्मण के बारे में क्या सोचना है आ रहे हैं। कमल नयन पांडे जी, अंबेडकर साहब ब्राह्मण के बारे में क्या सोचते थे? थोड़ा धैर्य रखिए, आएंगे इस पे भी बात करेंगे। जी शुक्रिया आपके कमेंट के लिए। तो अंबेडकर साहब को कोई दबा नहीं सका। अंबेडकर मूवमेंट, जो अंबेडकराइट मूवमेंट है, उसकी वजह से आज सब लोग उसको तस्लीम कर रहे हैं, उनको अपना रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा, इसमें एक खतरा भी है कि बहुत लोग जो अंबेडकर के, जिनको विचारधारा से कुछ लेना नहीं है, वो लोग भी अंबेडकर पर माला चढ़ाने के लिए सबसे पहले आ गए हैं वो। तो मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा आज, नहीं तो अगले अगली बार, कि क्यों उन लोगों से भी बच के रहना है। तो मेरे भाई, जिनको अंबेडकर के बारे में जानकारी कम है या बहुत अब उतना नहीं जानते, वो भी ध्यान दें। मैंने भी कहीं से पढ़ के नोट्स इकट्ठा करके आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो थोड़ा बहुत है, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट में हूँ तो थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा। अम्बेडकर साहब थे कहाँ कहाँ, पैदा हुए, क्या किए, फिर उनके कुछ थॉट्स को आज जो संविधान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर मैं बात करूँगा। और फिर अगली बार से मैं सोच रहा हूं कि उनकी सारी राइटिंग को एक एक करके आपसे बातचीत करूं। तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मैं जो अभी उनकी जीवनी के बारे में जो बात कर रहा हूं, एज ए स्टूडेंट और एज ए रिसर्चर के मुताबिक मुझे बताना चाहिए कि आपको ये फैक्ट्स कहाँ से मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वलेरियन रॉड्रिक साहब की जो किताब है, द एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ बी आर अम्बेडकर, वलेरियन रॉड्रिक साहब की जो किताब है, जेएनयू के प्रोफेसर, द एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ बी आर अम्बेडकर, वो किताब ऑक्सफोर्ड से छपी हुई है। एसेंशियल राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर अम्बेडकर, वलेरियन रॉड्रिगस। तो उन्होंने क्या किया है कि इंट्रोडक्शन में अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ लिखा है, तो मैं उसी किताब से कुछ अम्बेडकर साहब के बारे में कुछ तथ्य मैंने लिया और बताया कि अम्बेडकर साहब जो थे वो महाराष्ट्र के बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उस समय बोला जाता था, वहां के महार जात जो थी, महार जाति थी जिसको उस जमाने में अछूत समझा जाता था, वहां उससे उनका ताल्लुक था, उससे उनका संबंध था। और अंबेडकर साहब के जो रिश्तेदार थे, जो उनके पिताजी थे, जो उनके दादाजी थे, उनके जो घर वाले थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो उस जमाने में जो अंग्रेज बहादुर थे, उनकी जो फौज थी, सेना थी, तो उसमें वो लोग नौकरी करते थे। अंबेडकर साहब के पिताजी भी करते थे नौकरी, और वो सूबेदार तक वो उनकी उनका प्रमोशन हुआ, वो वहाँ तक गए। तो अंबेडकर साहब महार फैमिली से आते थे, महार जात से आते थे, जिसको ब्राह्मणिकल सिस्टम में, ब्राह्मणवादी विचार में,
समाज में उनको अछूत समझा जाता था। उनकी आबादी बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी महाराष्ट्र जो आज का है उसी के आसपास में है। और अंबेडकर साहब का जो जन्म हुआ था, महू बोलते हैं उसको, वहीं पे पैदा हुए, MHOW, महू, अगर मैं सही कह रहा हूं, MHOW। और उनके पिताजी जो थे वो सूबेदार मेजर थे ब्रिटिश आर्मी में। और डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। और उन मैंने जैसे आपको बताया कि वो महार कास्ट से उनका ताल्लुक था, जो जिनकी अच्छी खासी तादाद जो थे बॉम्बे इलाके में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में थी। और अंबेडकर साहब का जो एंसेस्ट्रल विलेज था, जो मतलब बाप दादा का बहुत पुराना, वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। मैं भी आज देख रहा था मैप में रत्नागिरी कहाँ है, तो आप समुन्द्र के आसपास में, अगर आप देखेंगे जो गोवा के साइड में है, इसे अरबियन सी की तरफ, है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, और उनके पिताजी भी रामजी उनका नाम था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं, भीमराव रामजी अंबेडकर, तो रामजी उनके पिताजी से आ रहा है, रामजी अंबेडकर। और उसके बाद क्या है कि अंबेडकर साहब जो थे उन्होंने रामाबाई से शादी की 1908 में, जब रामाबाई सिर्फ 9 साल की थी। अंबेडकर साहब ने 1912 में बीए का एग्जामिनेशन पास किया और फिर 1913 में उन्होंने बड़ौदा स्टेट के आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन किया और उनको लेफ्टिनेंट का मिला, उनको उपाधि मिली कुछ दिनों के लिए। फिर 1913 की बात है, 13 में उनके पिताजी का भी इंतकाल हो गया, उनके पिताजी की भी का भी स्वर्गवास हो गया 13 में। फिर अंबेडकर साहब जो क्या थे वो फैकल्टी बन जाते हैं पॉलिटिकल साइंस के, फैकल्टी मतलब टीचर बन जाते हैं, नहीं माफ कीजिएगा, 1913 में टीचर नहीं बनते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है वहां उसको ज्वाइन करते हैं। हाँ, और उनको स्कॉलरशिप के लिए मदद जो की थी वो आपको बड़ौदा के जो महाराज थे उन्होंने उनको मदद की थी। 1915 में उन्होंने एमए डिजर्टेशन जो था उन्होंने लिखा, फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में लिखा। 1916 में उनका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पेपर है, हम लोग पढ़ते हैं, कास्ट इन इंडिया, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, कास्ट इन इंडिया, 1916 में उन्होंने कास्ट इन इंडिया लिखा। अच्छा, फिर 1916 में उन्होंने पीएचडी भी उन्होंने सबमिट की। फिर 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भी उन्होंने ज्वाइन किया। 17 में उनको पीएचडी अवार्ड हो गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। अच्छा, फिर 1917 में वो भारत आए और उन्होंने महाराजा ऑफ बड़ौदा के सर्विसेज को ज्वाइन किया उन्होंने। और 1918 में वो प्रोफेसर के तौर पे, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर के तौर पे डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो बॉम्बे के कॉलेज में वो ज्वाइन करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। फिर वो उसके बाद 1920 में वो मूक नायक निकालते हैं, मूक नायक जो फोर्टनाइटली है 15 दिन के ऊपर जो निकलता है, एक मूक नायक पत्रिका भी निकालते हैं। 1920 में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाते हैं अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए। 1921 में उनका डिजर्टेशन जमा होता है, प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। फिर 1922 में वो बार एट लॉ फ्रॉम ग्रे इंस में इनवाइट किए जाते हैं। फिर 1922 में उन्होंने डीएस, एक
डेजर्टेशन जो है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजन एंड इट्स सोल्यूशन, उसको भी सबमिट करते हैं। फिर उनको 1923 में डीएससी की डिग्री मिल जाती है वहां पे। फिर 23 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉ का प्रैक्टिस उन्होंने शुरू कर दी 1923 में। फिर 24 में डॉक्टर अंबेडकर साहब बहिष्कृति हितकारिणी सभा, डिप्रेस क्लासेस वेलफेयर एसोसिएशंस, उन्होंने 1924 में उसका फॉर्मेशन किया। 25 से 28 तक वो एक पार्ट टाइम टीचर के तौर पर वो काम कर रहे हैं। 27 में उनको बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर 5 ईयर्स के लिए उसको उनको नॉमिनेट कर दिया जाता है। फिर वो पानी के लिए जो महात सत्याग्रह करते हैं वो 1927 में करते हैं उसको। और सबसे बड़ी बात है कि मनुस्मृति को भी उन्होंने जलाया है 25 दिसंबर 1927 को। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने मनुस्मृति को भी जलाया। फिर वो 1927 में एक समाज समता संघ है, उसका भी वो फॉर्मेशन करते हैं। फिर 1928 में वो बॉम्बे में एक बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कहते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल टू अमेंड द बॉम्बे हेरिडेटरी ऑफिसेस एक्ट। वो जो बॉम्बे हेरिडेटरी ऑफिसेस एक्ट को भी अमेंड करने के लिए कोई बिल पेश करते हैं। साइमन कमीशन के सामने वो पेश करते हैं अपना स्टेटमेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो उनके कलेक्टेड वॉल्यूम्स में है, वो भी है, इस पे भी हम बात करते हैं। फिर उन्होंने डिप्रेस क्लासेस का एजुकेशन सोसाइटी भी उन्होंने मतलब उन्होंने फॉर्म किया। फिर उन्होंने समता नाम के एक पत्रिका भी उन्हें फोर्टनाइटली उसको स्टार्ट किया। फिर उसके बाद फिर वो साइमन कमीशन के सामने वो पेश हुए और अपनी बात रखी वहां पे। और फिर वो सत्याग्रह करते थे, वो टेम्पल के अंदर में जो दलितों के साथ जो भेदभाव होता था उसको लिए उन्होंने कालाराम टेम्पल नासिक, यहां पर भी उन्होंने शुरू किया। 1930 में उन्होंने फिर जनता नाम के एक पत्रिका उन्होंने शुरू की मराठी में। तो आप देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लग रहा है कि अंबेडकर के पास लिखने पढ़ने का काम बहुत ज्यादा हो रहा है। आजकल लोग कहते हैं ना कि अरे पढ़ लिख के क्या करोगे, क्या हो सकता है पढ़ लिख के, लेकिन अंबेडकर साहब कितना पत्रिका वो निकाल रहे हैं ये देखिए। फिर क्या हुआ, 1930 में वो प्रेसिडेंट बनते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस के। फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो भाग लेते हैं 1930 में। 1931 में उनको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपॉइंट किया जाता है एक मेंबर के तौर पे। फिर उन्होंने इंडियन फ्रेंचाइज कमिटी को अपना नोट दिया 1932 में। फिर पूना पैक्ट हो रहा है 1932 में, 1932 में 1932, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इवेंट पूना पैक्ट। फिर वो क्या करते हैं 1935 में, बाबा साहब अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि वो खुलेआम कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ूंगा। तो हिंदू धर्म पे भी वो हमला करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ अपना अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं और हिंदू धर्म छोड़ने की बात करते हैं। 1936 में इंडिपेंडेंट पार्टी बनाते हैं। इंडिपेंडेंट पार्टी का मतलब है कि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन था। तो आजकल बहुत चलता है ना कि डॉक्टर अंबेडकर कम्युनिस्ट के कितने खिलाफ थे, क्या कम्युनिस्ट के साथ में थे। आजकल देशभक्त जो लोग हैं वो लोग कहते हैं अरे बाबा साहब अंबेडकर कम्युनिस्टों के हमेशा खिलाफ थे, लेफ्ट के हमेशा खिलाफ थे। देखिए अगर बाबा साहब अंबेडकर लेफ्ट विचारधारा के इतने ही खिलाफ में थे तो उन्होंने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी क्यों बनाई। और आप भी देख लीजिए लेफ्ट के अंदर में भी तो एक एक विचारधारा नहीं है, उनके अंदर में भी तो बहुत सारी विचारधारा है, अपने आपसी डिफरेंसेस है। तो हो सकता है कि जिस तरह की लेफ्ट की बात आप करते हो
उस तरह की लेफ्ट की बातें डॉक्टर अम्बेडकर साहब कुछ अलग तरीके से करते थे, लेकिन वो लेफ्ट के दुश्मन थे। ये भी बात बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि लेफ्ट के दुश्मन थे। ये आजकल देशभक्त देशभक्त जो लोग हैं वो लोग फैला रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कि ये देखो दलित लोगों मेरे भाइयों, अम्बेडकर साहब ने कहा था कम्युनिस्टों के बारे में, कहा था लेफ्ट के बारे में कहा था, इसको वो लोग हवा दे रहे हैं। देखिए फिर अंबेडकर साहब का प्रोटेस्ट होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बिल के खिलाफ 1938 में, 1939 में, 1940 में थॉट्स ऑन पाकिस्तान उनकी किताब आनी शुरू हो जाती है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। थॉट ऑन पाकिस्तान में क्या है कि 1940 तक आते आते हिंदू मुसलमान के बीच में जो हमारा जो भारत में जो लड़ाई जो थी, जो झगड़ा था, वो काफी मतलब उसकी दरार काफी फैल गई, बढ़ गई उसकी दरार। और अब लग नहीं रहा था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में रिकंसिलिएशन होगा, सब दोनों तरफ से मामला बिगड़ रहा था। उस दौरान में उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखी है और उन्होंने पूरे जो पार्टीशन की जो समस्या थी उसको उन्होंने उसमें स्टडीज करने की कोशिश की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। फिर 1942 में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। फिर 1942 में वो वाइसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर थे। 1943 में उनका एक लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने दिया था, राणा डे गांधीयन जीना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पढ़िएगा आप लोग। इसमें अंबेडकर साहब कह रहे हैं देश पे मरने वाले लोग जो होते हैं उनकी तारीफ सब लोग करते हैं, लेकिन समाज के अंदर में जो बुराई के लिए जो लड़ता है उसको हर तरफ से लोग जलील करते हैं, उसको कोई सही नहीं कहता है। तो वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि जो सामाजिक बुराई के लिए जो इंसान लड़ रहा है उसका मर्तबा ऊपर है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए। आप अपने गांव में जाइए और गांव में आप कहिए कि बॉर्डर पर लड़ने जा रहा हूं, दुश्मनों को ठीक कर दूंगा, तो सब लोग कहेंगे वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन आप कहिए कि बॉर्डर पे अगर कोई दुश्मन है तो उससे तो लड़ना, मान लीजिए कि अगर सही है तो बॉर्डर के अंदर में जो लोग दुश्मन बैठे हुए हैं, जो बराबरी की बात नहीं करते हैं, जो गैर बराबरी में यकीन करते हैं, जो छुआछूत करते हैं, जो लोगों को बांटते हैं, हैं, जो किसी को तालाब से पानी नहीं पीने देते हैं, तो उनके खिलाफ भी तो लड़ाई होनी चाहिए। और लड़ाई का मतलब क्या है? लड़ाई का मतलब कोई ऐसा थोड़े है कि किसी को जाके जान से मार देना है और पत्थर से मार देना। अरे लड़ाई का मतलब है कि ये लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि सबको बराबरी मिले, ये है ना लड़ाई। लड़ाई का मतलब हमेशा हिंसात्मक लड़ाई नहीं होती है ना, लड़ाई का मतलब होता है कि आंदोलन। भाई तालाब जो है वो सबका है, तो कोई कैसे किसी इंसान के तालाब में पानी भर लेने से तालाब जो हो जाएगा वो उसको बोलते हैं कि वो पोल्यूटेड हो जाएगा, तो इसके लिए भी तो लड़ना जरूरी है। तो इस तरह की लड़ाई में अगर आप जाएंगे, सामाजिक लड़ाई में लड़ने के लिए जाएंगे, तो गांव वाला क्या कहेगा? चलो चलो निकलो यहां से, ये सब काम दिल्ली में करना, इधर नहीं करना। हाँ, गांव में जैसा सिस्टम चलता है वैसे ही चलेगा, पागल हो गए हो, बाप दादा जैसे चलाता है वैसे ही चलेगा। तो जात पात के खिलाफ अगर आप बोलेंगे, अमीरी गरीबी के खिलाफ में बोलेंगे, भूमि सुधार के बारे में बोलेंगे, तो इको को वोट नहीं मिलेगा। अगर आप कहिए कि हवाई फायरिंग कीजिए कि बॉर्डर पे एक ऐसा मिसाइल मारूंगा कि बॉर्डर के उस पार के लोग सब कुछ ठीक हो जाएंगे, देखिए तालियां तालियां बज जाएंगी आपको। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब का ये जो लेक्चर है राणा डे गांधी और जीना, उसमें अंबेडकर साहब कहते हैं कि गांधी जी और जीना साहब ने सामाजिक बुराई के बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन राणा डे ने की, क्योंकि कांग्रेस जब बना तो शुरुआती दौर में वो सामाजिक मुद्दे को भी उठाता था और राजनीतिक मुद्दे को भी उठाता था। तो जो ऊंची जाति की जो लॉबी थी कांग्रेस की, उसने कहा नहीं 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 नहीं, अभी सामाजिक बात जब तुम उठाओगे तो समाज बढ़ जाएगा, हम लोग कमजोर हो जाएंगे, पहले आजादी ले लो, पहले राजनीतिक लड़ाई लड़ लो, फिर सामाजिक लड़ाई लड़ना। अरे भैया सामाजिक लड़ाई किस दिन लड़ोगे? तो ये कह रहे थे कि मगर राणा डे जो थे वो सामाजिक लड़ाई को बहुत ही अहमियत देते थे, इसीलिए
अंबेडकर साहब रानाडे की तारीफ कर रहे हैं, यानी सामाजिक लड़ाई लड़ना ज्यादा कठिन काम है। आपको लगता है कि नहीं लगता है, बोलिए। देश के लिए लड़ना बहुत आसान है, क्योंकि एनिमी बाहर का है, अदृश्य है, हवा में बात करनी है। लेकिन जब लड़ाई होगी कि क्यों किसी के पास कई कई बीघे जमीन होंगे और किसी के पास एक टुकड़ा भी जमीन का नहीं है, तब तो दर्द बहुत आपको होगा समाज, क्योंकि ये समाज के अंदर की बात है। तो अंबेडकर की प्रधानता इसी में है कि वो अंदर में जो सड़न है ना समाज की, उसके बारे में उंगली उठा रहे हैं, उसके बारे में इशारा कर रहे हैं। इसलिए अंबेडकर को लोग पसंद नहीं करते बहुत ज्यादा, उनको लगता है अरे ये तो विभाजन कर देंगे, समाज को बांट देंगे। लेकिन अंबेडकर साहब सही जगह पे उंगली उठा रहे हैं, करें देश पे मरने वाले लोगों को तारीफ खूब मिलेगी, लेकिन समाज की बुराई के बारे में बात करने वाले लोगों को सब लोग गाली देंगे। हुआ है जिन लोगों ने सामाजिक सुधार की बात की है, क्या नहीं हुआ है सोचिए। जो महिला जो विधवा विवाह के लिए सबसे पहले कहा होगा, क्या उनकी हालत हुई होगी। आज भी विधवा विवाह जो ऊंची जातियों के अंदर में है, आप जाके बोल दीजिए कि विधवा विवाह करना है, लोग आपको पागल हो गए हो। मैं खुद देखा हूं अपनी आंखों से, जब इंसान मर जाता है उस वक्त क्रिया कांड करने में आज भी गांव में 1,00,000 रुपए लगते हैं, 80,000-90,000, पूरे गांव को खिलाना पड़ता है, दान देना पड़ता है। एक तो कोई मरा बीमारी से, मरा बीमारी में पैसा गया, ऊपर सब 1,00,000 का भोज कराओ, वो आदमी चला गया कर्ज में और उसको 5 साल लगेंगे, तब तक पता चला ये भी मर गया। तो ये जो गरीबी का चक्र में फंसा हुआ है, आप जाके बोलेंगे कि ये सब क्या है यार, क्या है, तो गांव का लोग कहेगा कि तुम गलत काम कर रहे हो। तो बाप दादा जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था, लेकिन अंबेडकर साहब कह रहे नहीं, बाप दादा अगर कुछ किया है और गलत है तो उसका विरोध करना है सबसे पहले। लेकिन आजकल क्या हवा बनी हुई है, रॉकेट छोड़ देंगे बॉर्डर पे जाके, रॉकेट छोड़ेंगे बॉर्डर पे। अरे रॉकेट छोड़ो ना गांव के अंदर में, गांव के अंदर में जो बुराई है उसके ऊपर बोलो ना, बोलो। छठ का पूजा होता है, हमने भी देखा है जो छठ के पूजे में अभी बिहार में हुआ, जो दौरी बनाता है, जो बास्केट बनाता है, कौन जातियां बनाती हैं, दलित जातियां बनाती हैं, क्या उनको सम्मान मिलता है छठ के घाट पे, बोलिए। जो लोग सुन रहे हैं जो बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से, ईस्टर्न यूपी से, मिलता है सम्मान, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उनके लिए अगर पूजा करने भी जा रहे हैं तो उनके लिए अलग कोना में बनाया गया है, उनको वो मिक्स नहीं होंगे ऊंची जातियों के साथ। जो जो बास्केट बना रहा है भगवान के लिए, छठी माता के लिए, तो बास्केट पोल्यूटेड नहीं हुआ। जिस दौरा में आप फल लेके जा रहे हैं पूजा करने के लिए वो नहीं हुआ, लेकिन जो बनाने वाला है वो अलग छठ का पूजा करेगा, है बराबरी? कोई बोल सकता है, कोई विधायक, कोई नेता? लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक होता है तो सब लोग अपना पोस्टर लगाते हैं। तो अंबेडकर की महानता और प्रधानता यही है कि अंबेडकर साहब समाज के अंदर में जो बीमारी लगी हुई है उसकी सर्जरी की बात करते हैं, बाकी लोग नहीं करता है। बाकी लोग क्या रहा है, क्या कर रहा है, दूर सर्जरी की बात कर रहा है। अरे भाई यहां सर्जरी होनी चाहिए। तो ये रानाडे वाला पढ़िएगा आप लोग। फिर गांधी जी को लेके और कांग्रेस को लेकर डॉक्टर अंबेडकर बहुत तीखी आलोचना करते थे, क्योंकि यही लोग मिनिस्ट्री में थे, मुख्यधारा में यही पार्टी थी, और ये लोग इंसाफ नहीं किए बहुत मर्तबा। तो जो ये किताब है डॉक्टर अंबेडकर की, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, एक और उनका, तो ये भी पढ़ने की जरूरत है। फिर क्या हुआ, उन्होंने ये किताब 45 में आई, 1945 में, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स। 1945 में पीपल्स हिस्ट्री सोसाइटी को उन्होंने फॉर्मेशंस दिया। फिर 1946 में हु आर शूद्रास, एक किताब उन्होंने लिखी।
46 में उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की स्थापना की। फिर 46 में ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बंगाल से चुन के आए। 1946 में स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज एक छोटी सी किताब है, बहुत अहम है, भारत का जो संविधान बना हुआ है इसमें स्टेट एंड माइनॉरिटीज का भी बहुत बड़ा ये इन्फ्लुएंस है, पढ़िएगा आसानी से मिल जाएगा, गूगल कीजिए स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ये भी उन्होंने 1947 में लिखी। और 1947 में वो चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की थी उसके वो चेयरमैन बनाए गए, अपॉइंट किए गए, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको एडॉप्ट कर लिया, और एक साल बाद यानी 26 जनवरी 1950 को ये देश का कानून बन गया, संविधान को हम लोगों ने अपना लिया। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे वो चेयरमैन बनाए गए थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1948 में उन्होंने अनटचेबल्स किताब लिखी, हु वेयर दे व्हाट दे हैव व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स हु वेयर दे एंड व्हाई दे हैव बिकम अनटचेबल्स। फिर 50 में कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया। फिर उन्होंने 1950 में कोलंबो गए, वहां पे बुद्धिज्म के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। फिर नेहरू की कैबिनेट से वो 1951 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया 8 सितंबर 1951 में, और इसकी वजह है कि इसकी वजह ये होता है कि जो हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर लाना चाहते थे जिसमें वो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना चाहते थे, लेकिन जो मर्द सोच के जो लोग थे, जो कहने का मतलब है जो कट्टर लोग थे, पुरुष प्रधान जो लोग थे, उनको ये सब चीजें पसंद नहीं थी, तो उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया अंबेडकर को भी और नेहरू को भी। और नेहरू थे पॉलिटिशियन, क्या करते, अंबेडकर की भी सुनना है, उनकी भी सुनना है। अंबेडकर साहब दुखी हो गए कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ईमानदार आदमी थे अंबेडकर साहब, रिजाइन दे दिया, कहा ठीक है आजकल के तरह मंत्री थोड़े लोगों को बने रहना है, अरे कहीं गए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं तो रिजाइन दो, निकलो यहाँ से। और उनका एक रिजिग्नेशन लेटर भी है उसमें, जिसमें उन्होंने हिंदू कोड बिल का भी क्यों वो नहीं कर पा रहे हैं, और शायद उन्होंने बात कही थी कि ये मेरा हिंदू समाज को सुधारने का ये आखिरी मेरी कोशिश थी, ये भी क्या उन्होंने, मतलब तंग आ गया, ये हिंदू समाज नहीं, ये अपने आप को बदलने वाला नहीं है। फिर उन्होंने नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी कश्मीर को लेकर, उसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है, तो वो भी लेटर आप अगर ढूंढेंगे, रिजर्वेशन लेटर, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वो 1952 में डॉक्टर अंबेडकर इलेक्शंस के लिए खड़े हुए बॉम्बे से और हार गए। देखिए यही देखिए चुनाव और लोकतंत्र की भी महानता देखिए कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे आदमी को हरा दिया गया। फिर वो राज्यसभा भेजे गए। फिर डॉक्टर ऑफ लॉज की डिग्री जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1952 में दी है जी। कोई उमर साहब हैं लिख रहे, अंबेडकर ने भी शेड्यूल कास्ट के राइट्स के लिए काम किया और सावरकर ने भी उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाई है, आजकल हिंदुत्व वाले दोनों को करीब बताते हैं, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? जी ऐसा नहीं है, देखिए तेल और पानी एक साथ कैसे हो सकता है, तो कहाँ अंबेडकर के विचार और कहाँ सावरकर साहब के विचार, इस पे आएंगे हम लोग, ये दोनों ये तो ये घाल में नहीं चलेगा। अंबेडकर कुछ और सोचते थे, अंबेडकर के अंदर में क्या था, इक्वालिटी लानी थी समाज के अंदर में बराबरी लानी है, और सावरकर साहब का क्या इरादा था, हिंदू समाज को हिंदुत्व लाना है, कैसे दोनों एक साथ चल सकता है आप बताइए, कैसे चल सकता है, हम आएंगे इसके ऊपर में। अंबेडकर जी के थॉट में माइनॉरिटीज के जो राइट हैं वो बहुत सेंट्रल हैं, कोई डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकती है जब तक कि उसमें अल्पसंख्यक के आधार अधिकार को सुनिश्चित न किया जाए, अंबेडकर साहब कह रहे हैं। और सावरकर साहब के पास कोई
अल्पसंख्यक जो है उसको हिंदू समाज का हिस्सा बना लेना है, और नहीं बनाना है तो उनको अलग थलग करना है, तो कैसे दोनों आदमी एक साथ हो सकते, समझ रहे हैं? नहीं है गजाली साहब, नहीं है उमर गजाली साहब, नहीं अम्बेडकर सावरकर एक साथ नहीं जा सकते जी। फिर क्या हुआ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उनको लॉ की डिग्री मिली। 1954 में उन्होंने वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस जो है रंगून में, वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 55 में थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक एस्टेट उन्होंने दिया। फिर 56 में प्रबुद्ध भारत उन्होंने शुरुआत की। फिर 56 में उन्होंने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया। बहुत बड़ी तादाद में उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके जो चाहने वाले थे, जो अम्बेडकराइट विचार में यकीन रखते थे, उन लोगों ने भी नागपुर में जाके बुद्धिज़्म को उन्होंने कबूल किया। और फिर वो काठमांडू में वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी वो उन्होंने हिस्सा लिया 1956 में। और 6 दिसंबर 1956 में उनकी वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई। और उनके मरने के बाद 1957 में, 57 माफ कीजिए, बुद्धा एंड हिज धम्मा उसको पब्लिश हुआ। तो क्या आपने देखा अंबेडकर साहब की राइटिंग्स में, क्या देखा? पहला चीज तो मुझे लगा एक बहुत ही पढ़ाकू आदमी है कि नहीं, आप बोलिए। पढ़ने वाला आदमी, शो के लिए नहीं पढ़ने वाला आदमी। बहुत सारे प्रोफेसर्स भी हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर में जो पढ़ते हैं और बहुत लिखते हैं, लेकिन उनका सरोकार समाज नहीं होता है, उनका सरोकार होता है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लेना, नेताजी के करीब में जाना, कमिटी का मेंबर बनना। लेकिन अंबेडकर साहब के अंदर में नहीं है। अंबेडकर साहब एक जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत लिखे हैं। अंबेडकर साहब के अंदर में रिलीजन की भी जानकारी है, पॉलिटिकल साइंस की भी जानकारी है, लॉ की भी जानकारी है, और इकोनॉमिक्स की भी जानकारी है, वो भी है। अच्छा, अंबेडकर साहब जो हैं, अंबेडकर साहब जो हैं वो राजनीति में भी हिस्सा ले रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड लेके चल रहे हैं, और उन्होंने सत्याग्रह भी किया है, उन्होंने आंदोलन भी किए हैं। अच्छा, उन्होंने आंदोलन भी किए हैं, और उनकी उनका कांग्रेस से भी बहुत ही तीखा विरोध रहा है। उन्होंने हिंदुइज्म की भी चीड़फाड़ की है, उसके ऊपर भी आपत्ति दर्ज की है। बुद्धिज्म को अपनाया है उन्होंने, माइनॉरिटीज के समस्या को लेके उन्होंने अपना वक्त दिया है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को और ये इसको भी बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे। महिलाओं के अधिकार भी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। रिलीजन के बारे में भी उनके ऐसी जानकारी, उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि रिलीजन की अंडरस्टैंडिंग अम्बेडकर की ये थी कि रिलीजन के अंदर में ढोंग नहीं होना चाहिए, रिलीजन के अंदर में पाखंड नहीं होना चाहिए। रिलीजन वही रिलीजन है जिसके अंदर में एक बंधुत्व हो, एक फ्रेटर्निटी हो, एक सोशल बॉन्डिंग हो, वही रिलीजन है। रिलीजन का मतलब पाखंड नहीं है, किसी को ठगना नहीं है, भूत प्रेत की कहानी रिलीजन की नहीं है। तो रिलीजन के बारे में उनको बहुत इंपॉर्टेंस है उनका। और फिर वो बुद्धिज्म को भी और मार्क्सिज्म के बीच में भी वो तुलना कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें उनको बुद्धिज्म और मार्क्सिज्म में कॉमन भी दिख रही है। तो ये अंबेडकर का एक पूरा का पूरा लाइफ है। तो किसी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि ये एक प्रोग्राम में अंबेडकर जी के थॉट को पूरा कर सके, बता सके। तो मैंने यही सोचा है कि आज अंबेडकर जी को याद किया जाए, क्योंकि आज भारत में संविधान दिवस मन रहा है। क्यों संविधान दिवस मन रहा है? क्योंकि आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको, संविधान को एडॉप्ट किया गया, और फिर 26 जनवरी 1950 को इस देश में इसको लागू कर दिया। एक चीज के बारे में मैं आपको बात कहूंगा, और फिर आज के लिए हम लोग आज के लिए फिर
हम अपने प्रोग्राम को इस डिस्कशन को यहाँ पे हम रोक देंगे। कोई पूछे आपसे कि क्यों अंबेडकर आपको बहुत पसंद है, क्या कहेंगे आप? क्यों पसंद है, किस वजह से पसंद है? या मुझसे आप पूछिए आपको क्यों पसंद है। तो मैं अपनी जिंदगी का खुद का निचोड़ बताना चाहता हूं कि अंबेडकर जी मुझे क्यों पसंद है। मुझे अंबेडकर साहब सबसे अच्छा इसलिए लगते हैं कि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के बारे में आवाज उठाई, सामाजिक सामाजिक कुरीति के बारे में आवाज उठाना सब सबके बस की बात नहीं है। आज आप ही बताइए, लोग कहते हैं कि भारत बहुत ही आगे चला गया है, भारत बहुत ही डेवलप कर गया है, भारत क्या क्या चंद्रयान और सूर्यान और क्या क्या मार्स पे भेज रहा है और कहाँ कहाँ भेज रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भारत मंगल ग्रह पे अंतरिक्ष भेजता है, वही भारत एक त्योहार अपने दलित भाई के साथ मिलकर नहीं मना सकते है? मैं आप बताइए, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइए। डॉक्टर अंबेडकर साहब का एक जिक्र मैं करना चाहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अपनी जिंदगी के बारे में छोटा सा उनका एक आर्टिकल है, राइटिंग फॉर वीजा, ये वॉल्यूम नंबर 12 में है, वॉल्यूम नंबर 12, वेटिंग फॉर वीजा, सॉरी माफ कीजिए, वेटिंग फॉर वीजा है। तो उसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि 1901 की बात बता रहे हैं, 1901, उनके पिताजी कोरेगांव में काम करते थे और उनको कोरेगांव पहुंचना था। तो ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठने के बाद उनको पहुंचना था, अभी वो बच्चे थे, छोटे थे डॉक्टर अंबेडकर साहब। तो शायद उन्होंने चिट्ठी अपने पिताजी को लिख दी थी कि हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं, और स्टेशन से दूर था उनका पहुंचना था, जहां कोरेगांव था वहां दूर था। तो उनके पिताजी को पिताजी की जिम्मेदारी थी कि उनको मतलब कुछ सवारी स्टेशन पर भेज दें, ताकि वो बच्चे लोग ट्रेन से जब उतरे तो सवारी पे चढ़ के चले जाएं वो लोग पिताजी के पास कोरेगांव में। लेकिन हुआ क्या कि जो चिट्ठी डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो भेजी थी, वो चिट्ठी पहुंची नहीं, उनके पिताजी तक नहीं पहुंच पाई, कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया। अंबेडकर साहब ट्रेन पे चढ़े, जो नियरेस्ट स्टेशन था वहां पे उतर गए वो। उतरने के बाद अब स्टेशन पर वेट कर रहे हैं, सुनते रहे पिताजी ने कुछ गाड़ी नहीं भेजी, क्या करें कहाँ जाएं। समझिए कि पटना से आपको जाना हो हाजीपुर, और पटना स्टेशन पे आप उतर जाइए और सोचिए कि पिताजी ने कोई गाड़ी नहीं भेजी हाजीपुर जाने के लिए। तो उसी तरह वो वेट कर रहे थे, बहुत अच्छा कपड़ा पहने हुए थे। तो स्टेशन मास्टर उनके पास गया, कुछ देर से खड़ा होते हुए देखा डॉक्टर अम्बेडकर बच्चे थे, तो स्टेशन मास्टर उनके पास गया, और स्टेशन मास्टर ने जब उनको देखा तो पूछा उनसे कि क्यों यहाँ पे खड़े हो इतने देर से। तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जो थे वो गाड़ी भेजने वाले थे, वो नहीं आ पाए, हमें यहाँ से कोरेगांव जाना है, इसीलिए हम लोग उधेड़पुर में पड़े हुए। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि अरे ये तो ब्राह्मण कलर का लग रहा है, इतना अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, इतना अच्छा है, ये तो ब्राह्मण ही हो सकता है। कुछ देर के बाद, जैसे कि होता है जो जाति वाली जो समाज है, कुछ देर के बाद डॉक्टर अंबेडकर साहब से पूछता है, वही स्टेशन मास्टर साहब पूछे, अच्छा बताइए आप किस जात से हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि महार जात से हैं। अब वो स्टेशन मास्टर, हो क्या हो गया, तो हम क्या समझे थे, क्या निकल गए, फिर वो शॉक्ड हो गया वो स्टेशन मास्टर, हाँ पूरी तरह से, अरे महार अनटचेबल जाति से। उसको लगा कि कैसे मैं करीब चला गया। फिर क्या हुआ, और वक्त गुजर गया,
अब डॉक्टर अंबेडकर स्टेशन पर वेट कर रहे हैं कि क्या किया जाए, शाम भी होने लगी। तो स्टेशन मास्टर ने बाद में बच्चा समझ के, बच्चा देख के, उन्होंने मतलब गाड़ी उड़ी, अब गाड़ी का मतलब उस जमाने में कोई ओला ओला नहीं था, ओला उबर नहीं था, बैलगाड़ी टाइप की कुछ काट ओट, बाहर जाके बात करना शुरू की उन्होंने कोई गाड़ी वाला है इसको कोरेगांव पहुंचा दोगे क्या, कोई तैयार नहीं हो रहा था। अब देखिए, खूबसूरत बच्चा बेहतरीन पोशाक में, और जातिवादी समाज जो है वो एक बच्चे को बच्चा नहीं समझ रहा है, एक बच्चे को जात पात के चश्मे से देख रहा है, तैयार नहीं हुआ है लोग गणवान। और देखिए, जो गाड़ी चलाता है वो कोई अमीर आदमी तो है नहीं, वो भी तो मजदूर ही तबका है, लेकिन जात पात की बातें इतनी दिमाग में बैठी हुई है कि एक मजदूर जो ऊंची जाति का है वो भी नीची जाति के मजदूर के साथ अपनापन नहीं फील करता है, नहीं फील करता है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जेएनयू जैसी मतलब यूनिवर्सिटी में मैंने बात की है लोगों से, और कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ लोग चाय, मान लीजिए कि दुकान आपकी भी है, दुकान उनकी है, उस दुकान में कुछ लोग काम कर रहा है उस दुकान में, तो उस काम करने वाले लोग नीची जाति के भी हैं, दलित समाज से भी है, पिछड़े से भी हैं, ऊंची जाति से भी लोग हैं, लेकिन जब कोई वंचित समूह का कोई आदमी अपने घर से चाय डब्बे में बना के लाता है थर्मस में, तो ऊंची जाति का कोई आदमी है तो पीता नहीं है, क्या कहता है, आज हमारा व्रत है। सुनते रहिए, होटल में जाते हैं तो आपको तो व्रत नहीं दिखता है, इंग्लैंड में जाएंगे तो आपको तो व्रत नहीं दिखेगा, लेकिन जहां आपकी चलती है वहां आपका व्रत आ जाता है। वहां ट्रेन है, वहां अगर किसी दलित, क्योंकि सरकार ने कानून बनाया है, वहां अगर टिकट मिल जाए और आपके बगल में बैठ जाए तो आपकी हिम्मत नहीं है कहने के लिए कि आप उससे उतर जाइए, सीट से उतर जाइए। लेकिन छठ में, छठ पूजा हो रहा है, हो रही है, और वहां पे आप ऊंची जातियों का वर्चस्व है तो आप उनको बराबर में पंडाल में बैठने नहीं देते हैं उनको, है कि नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के लिए गाड़ी की बात करने के लिए स्टेशन मास्टर पे साहब बाहर निकले, स्टेशन मास्टर साहब पहले तो घबरा गए थे कि कहां से कहां मैं इसे करीब चला गया, फिर बच्चा जान के वो गए, उन्होंने कुछ लोगों से बात की, और बात करने के बाद कोई तैयार नहीं हो रहा था तो एक साहब तैयार हुए, एक साहब तैयार हुए जो गाड़ी चलाने के लिए, कोचवान जो थे उनके, तो उन्होंने कहा कि एक शर्त है, पैसा लूंगा डबल और गाड़ी पर चढ़ूंगा मैं नहीं, गाड़ी पे यही चलाएंगे, मैं पैदल चलूंगा। सुनते रहिए, लकड़ी की गाड़ी, लकड़ी की गाड़ी पे फूल सा मासूम बच्चा अगर वो बैठ जाए और आप बैठ के गाड़ी चला लें तो क्या होगा, छुआछूत हो जाए। ये कौन कर रहा है, कोई पंडित नहीं कर रहा है, कुचवान कर रहा है जो गाड़ी चलाता है। तो देखिए, जो ब्राह्मणवादी जो सोच है वो वहां तक चली गई है, क्या करेंगे। उन लोगों ने कहा हाँ हाँ आप गाड़ी के पीछे पीछे चलिए, हम गाड़ी चला लेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर बैठ गए गाड़ी पे, गाड़ी वो चलाने लगे, कुचवान पीछे से पैदल पैदल चलने लगा। बहुत रात हो गई, आधी रात के करीब में जब वो पहुंचने ही वाले थे, माने बीच रास्ते से कुछ दूर गए, तो वहां एक हिल टॉप आया, सॉरी हिल टॉप नहीं, टोल टोल कलेक्टर, एक पहाड़ी के पास कोई था टोल कलेक्टर जो पैसा वैसा कुछ लेता होगा, कुछ साहब होगा उस जमाने में, तो टोल कलेक्टर के पास लोग पहुंचे। तो टोल कलेक्टर के पास जब वो लोग पहुंचे, तो टोल कलेक्टर से के पास जब पहुंचे तो अंबेडकर साहब कोचवान को क्या कहते हैं, जाइए पानी मांग के लाइए, थोड़ा सा पानी पीना है। तो कहा कि नहीं, तुम ही जाओ। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पानी हमको देगा वो, तो इन्होंने कहा हाँ हाँ जाओ मांगो। तो बोला कि मैं तो अछूत नहीं देगा, अछूत के नाम पे। तो बोला जाके बोला मुसलमान हो, मोहम्मदन हो, मोहम्मदन हो, जाके बोल देना। टोल कलेक्टर के पास अंबेडकर साहब गए और बोले कि, और डॉक्टर अंबेडकर लिख भी रहे, उनकी जबान है, कोई
कोई ऐसा नहीं कि भूत प्रेत आके मुझे बोल रहा है। ये कलेक्टेड वॉल्यूम 12 में वेटिंग फॉर वीजा के अंदर में जिक्र है, पेज नंबर 689 शायद है, आप देख लीजिए। तो वॉल्यूम 12, 12वीं वॉल्यूम वेटिंग फॉर वीजा, डॉक्टर अंबेडकर के हाथों से लिखी गई बायोग्राफी। अच्छा, तो टोल कलेक्टर के पास अंबेडकर साहब गए और अंबेडकर साहब ने कहा कि पानी मिलेगा क्या? तो कलेक्टर ने कहा कि, और अंबेडकर कह रहे कि मैं उर्दू जानता था और मैं अच्छी उर्दू में उनसे बात की, मान लीजिए जनाब क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं क्या? तो टोल कलेक्टर बोला नहीं है, जाओ यहां से। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि पानी के बगैर वो भूखे रहे प्यासे रहे, पानी नहीं हुआ तो खाना कैसे खाएंगे। तो आप देखिए कि ये जात पात पे जो आधारित जो समाज है ये कितना, मतलब ये है कितना मतलब जालिम है, बताइए क्रूर कितना है। एक बच्चा को पानी नहीं दे सकते, अच्छा ये बात अगर कोई कर दे तो कुछ हमारे भाई आ जाएंगे देशभक्त, लोगों कहेंगे अरे आप लोग समाज को बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं भाई बताओ, क्या बांट रहे हैं? मैं कोई इंग्लैंड से आया हूं, मुझे नहीं पता है। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं अपने घर में अगर ले जाएं, अगर ऊंची जाति के हैं और वंचित तबके के लोगों को अपने घर में ले जाएं और उनका नाम बताएं, तो क्या मुमकिन है कि 10 में से 5 लोगों को के साथ अच्छा सलूक हो लेकिन 5 लोगों के साथ बुरा सलूक होगा? तो इसलिए जात पात की रियलिटीज को आप कैसे इनकार कर सकते हैं? तो अंबेडकर खुद अपनी जिंदगी से इन सारी बातों को लिख रहे हैं, इस सारी बातों को लिख रहे हैं। और इसलिए जो अंबेडकर साहब ने जो राणा डे, गांधी और जीना के ऊपर जो लेक्चर दिया तो कहा था कि गांधी जी और जीना साहब से भी बड़ा मर्तबा जो है वो राणा डे का है, इसलिए कि वो सामाजिक मुद्दे पे बात करते हैं। कितना नेता लोग आजकल सामाजिक मुद्दे पे बात करते हैं आप बताइए। सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो सब लोग लगाएंगे पोस्टर, लेकिन कोई कहेगा कि वंचित तबका को न्याय क्यों नहीं मिल रहा, हम उनके साथ खड़े हों? आज कितनी वंचित तबका के महिलाओं के ऊपर हमला हो रहा है, कितने लोग सामने आते हैं आप बताइए। आप देखिए यूएसए में क्या हुआ था, यूएसए में एक जो गैर श्वेत यानी नॉन व्हाइट को, जॉर्ज फ्लाइड को जिस तरह से बेदर्दी से वहां की पुलिस ने जब मार दी थी, मतलब पैर से उसका गर्दन दबा के, कितना हंगामा हुआ वहां पे आप देखिए। खबर आई थी कि ट्रंप साहब, अमेरिका का प्रेसिडेंट, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी को बैरक में छुपना पड़ा, वहां ब्लैक के साथ साथ व्हाइट भी हैं। यहां कितने लोग आए बताइए, यहां क्या हो रहा है? तो सामाजिक मुद्दे पे बात करना सबसे कठिन काम है मेरे दोस्तों, सबसे कठिन काम है सामाजिक मुद्दे पे बात करना। हवाबाजी करना हो एकदम चलेगा, रॉकेट फेंको, मिसाइल दागो, खूब इलेक्शन जीत जाओगे। लेकिन जात पात की बात करोगे, ऊंच नीच की बात करोगे, गैर बराबरी की बात करोगे, रिप्रेजेंटेशन की बात करोगे, नुमाइंदगी की बात करोगे, तो उस पर कोई आपको पसंद नहीं करता। तो अंबेडकर साहब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उन्होंने सामाजिक बुराई के ऊपर उन्होंने उन्होंने पूरी जिंदगी उन्होंने लड़ा। और सामाजिक बुराई और बंधुत्व, अगर आप इस दो चीजों को अपने पास में रखें तो उनकी उनके सारे विचार को आप समझ पाएंगे, सारे विचार को आप समझ जाएंगे। अब लोकतंत्र ले लीजिए, लोकतंत्र ले लीजिए, अंबेडकर जी का क्या विचार था लोकतंत्र के बारे में? आजकल सब लोग लोकतांत्रिक बना हुआ है, सब लोग डेमोक्रेसी की बात करता है, अंबेडकर साहब की दुहाई भी देता है। क्या कहा है अंबेडकर साहब ने लोकतंत्र के बारे में, क्या बात कही है? दो तीन प्रमुख बातें
हो रहा है हिंदुस्तान में, वो सब सारी चीज आप देख रहे हैं कहीं। लोकतंत्र अंबेडकर के लिए क्या है कि लोकतंत्र मेजोरिटेरियन रूल नहीं है, याद कर लीजिए आप लोग। अरे भाई उनके लिए कह रहा हूं जो डॉक्टर अंबेडकर को दिन भर माला दिखा रहे हैं और काम उनसे उल्टा कर रहे हैं। बहुसंख्यक और संख्या के बल पे लोगों को दबाना, लोगों के अधिकार को हनन करना, इस देश को एक ही रंग में इसको रंगना, ये अंबेडकर के जो विचार हैं इसके एकदम ही उल्टा है। एनडीटीवी में कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि शायद उत्तर प्रदेश के कोई नेता जी हैं, उन्होंने जबरदस्ती मोहल्ले की दीवारों को भगवा से रंगवाना शुरू कर दिया। भाई मुझे अपने घर को सफेदी रखना है, नहीं भगवा से होगा। हुआ था ये एनडीटीवी में आई थी खबर कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 महीने पहले आई थी खबर जी। तो अंबेडकर साहब ने जो लोकतंत्र के बारे में जो बात कही है कि ये मेजॉरिटी रूल नहीं है, सरकार जरूर जिस पार्टी को मेजॉरिटी आती है उसी की बनती है सरकार। फर्क थोड़ा महसूस कीजिए आप, फर्क समझ लीजिए कि मान लीजिए कि दिल्ली की सरकार बनानी है तो यहाँ पे 543 MPs इलेक्शंस लड़ते हैं, उसमें से 272 जिस पार्टी ने चुनाव जीत लिया उसकी सरकार बनेगी। तो जिसकी सरकार बनेगी, जिसने 272 का आंकड़ा पार कर लिया, तो अगर हम उस पार्टी को वोट नहीं भी किए हैं तब भी अब उसी पार्टी के नेता हमारे भी नेता हो गए। जैसे अगर हमने फलाना पार्टी को वोट नहीं भी दिया है, अगर वो पार्टी जीत जाती है और उस पार्टी से नेता प्रधानमंत्री बन जाते तो हम सब के प्रधानमंत्री हैं। तो मेजॉरिटी जो रूल है वो है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। कल हम जाके ये नहीं कहेंगे कि नहीं 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 हम इनको तो नहीं मानेंगे, हम इनको नहीं मानेंगे, नहीं हम उनको मानेंगे। और मानने का मतलब यह है कि उनकी आलोचना भी करेंगे, अगर उनकी पॉलिसीज कुछ गलत है तो हम उनकी आलोचना भी करेंगे। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपके प्रधानमंत्री कौन है, तो मेरे भी प्रधानमंत्री वही हैं जो आपके प्रधानमंत्री है, जो भारत में सबके प्रधानमंत्री है। लेकिन जब आप कोई पॉलिसी बनाएंगे तो उसमें आप सारे समुदाय, सारे वर्ग, सारे ग्रुप्स का ध्यान रखेंगे, और खासकर जो लोग वंचित तबका है उनकी बातों का आप एहतराम करेंगे, उसका अपमान नहीं करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे। अब आप बताइए कितनी इज्जत हो रही है, कितनी इज्जत हो रही है। आजकल क्या चल रहा है, जिस कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा नेता हो उसको कैसे राजनीति से अलग थलग करना है और नकली नेता पैदा करना है उसके अंदर से, यही चल रहा है ना। आप टीवी पे देखते होंगे जो दिन भर शाम के वक्त जो चलता है हंगामा, दिल का दौरा जहां पड़ता है वहां पे जितने भी नेता लोग जाते हैं, कोई पिछड़े तबका का रिप्रेजेंटेटिव है, तो कोई अल्पसंख्यक समुदाय का रिप्रेजेंटेटिव है, वो कोई ओरिजिनल होता है, ज्यादातर तो लोग नकली होते हैं। अंबेडकर साहब ने क्या कहा है, एक और बात बढ़िया हम कही अंबेडकर साहब, इससे ही जुड़ा हुआ अंबेडकर साहब की बातें, कि भारत के अंदर में जात पात होने की वजह से एक समुदाय सिर्फ अपना ही फायदा करता है या अपने समुदाय का फायदा करता है, ये तो नेचुरल चीज है। कि अगर मान लीजिए मैं कल MP बन गया और मेरी जाति, मेरी जात जो है, मेरा कास्ट जो है ए है, तो
तो जैसे ही मैं मंत्री बनूंगा तो अपना फायदा करूंगा और जाति नंबर ए का फायदा करूंगा, बी सी डी ई एफ जी एच एल के जे एच आई जे के एल एम एन ओ पी, मुझे ख्याल नहीं होता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग में, कानून बनाने की प्रक्रिया में, सरकार चलाने की प्रक्रिया में, हर समाज से, हर वंचित सबके तबके से लोगों को उसमें लाना चाहिए, उसमें डिसीजन मेकिंग में उनका उनको बैठाना चाहिए। ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग में बैठाना चाहिए, अच्छा है ना भाई। मेरी मनमानी क्यों चलेगी, आप बताइए, मेरी क्यों चलेगी मनमानी? अगर डिसीजन लेना है कि इस बगीचे में कितने पेड़ लगेंगे, कितने गुलदस्ते लगेंगे, तो गांव के सब लोग बैठे, सब लोगों से पूछा जाएगा। आप ही क्यों उसको ये करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आप ही की बात सही है? बताइए, आपको आम खाना है, आप कहेंगे पूरे बगीचा में आम लगा दो, और किसी को इमली खाना होगा तो वो कहेगा इमली लगाओ, और किसी को गुलाब का फूल चाहिए तो वो कहेगा गुलाब का फूल लगाओ। तो समाज में सबकी बात आपको सुननी पड़ेगी, इसीलिए सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, सबको डिसीजन मेकिंग में हिस्सा दिया जाता है। और आरक्षण की प्रक्रिया जो है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे कहीं भी हो, इसीलिए दिया जाता है ताकि समाज के सब लोग जब वहां पर रहेंगे तो डिसीजन अच्छा लिया जाएगा, किसी एक आदमी की मनमानी नहीं चलेगी। और यहां पे लोग क्या कह रहे हैं रिजर्वेशंस को लेकर, ये देखो इस समुदाय का आदमी कलेक्टर बन गया, उसका बेटा क्यों आरक्षण लेगा? तो ठीक है, उसके बेटे को तुम आरक्षण नहीं दोगे तो कोई ना किसी को दोगे, बोलो उसका, उस समुदाय की इस बात कौन रखेगा, बताओ कौन रखेगा? अगर आरक्षण, मान लीजिए कि आरक्षण इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप दिल पे हाथ रख के कहिए कि कितने जनरल सीट से दलित चुन के आते हैं, और कितने जनरल सीट से एससी चुन के आते हैं, और एसटी चुन के आते हैं, और कितने जनरल सीट से, आप बताइए, आईआईटी में और आईआईएम में और एम्स में एडमिशन होता है पिछड़े तबके का, बताइए। हालत ऐसी है कि जो पोस्ट पिछड़े तबके के लिए बनी हुई है, पहले उसको करते थे नॉट फाउंड सूटेबल, और उसको नॉट फाउंड सूटेबल करके उसको बाद में जनरल में कन्वर्ट करते थे, और आजकल क्या हो रहा है, आजकल उसी तरह फिर कर रहे हैं, नॉट फाउंड सूटेबल। आप बताओ, जनरल कैंडिडेट में आपको कैंडिडेट सूटेबल मिल जाता है, और एससी कम्युनिटी में और एसटी कम्युनिटी में और ओबीसी में कैसे आपको सूटेबल नहीं मिलता है, बताइए। इतना बड़ा देश है, नौकरी मिल नहीं रही है, 6-6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चला गया है, और उसमें लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं, आपको काबिल ही नहीं मिले हैं आपको। तो क्या करते हैं लोग, ये रिजर्वेशन के पूरे डिबेट को अमीरी गरीबी में लेके जाते हैं। अरे अमीरी गरीबी की लड़ाई तो लड़नी है, कौन कह रहा है कि अमीरी गरीबी की लड़ाई नहीं है भाई, कौन कह रहा है कि अमीरी गरीबी की लड़ाई नहीं है? और कौन नहीं इस बात से इनकार कर रहा है कि गरीब ऊंची जाति में नहीं है? हैं, मैं तो सब्जी बेचने वालों को देखता हूं, जेनू के सामने झाजी हैं, एक सब्जी बेचते हैं, तो क्या किया जाए बताइए? तो उनके लिए सरकार क्यों नहीं पॉलिसीज बना रही है? कौन रोक रहा है उस झाजी के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए, कौन रोक रहा है बताइए? हम लोग कभी विरोध करते हैं क्या उनके लिए, बताइए? आप उनको दुकान बना के दीजिए उनको, कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है भाई? झाजी को बनाइए गरीब, जो रिक्शा चला रहा है झाजी उसको ऑटो टेम्पो दीजिए, कौन रोक रहा है उसको? लेकिन आप रिजर्वेशन पे हमला क्यों करते हैं बताइए, कौन कह रहा है? अगर कोई स्वर्ण तबके का गरीब बच्चा है उसको उसको मिले, उसको उसको स्कॉलरशिप मिले? लेकिन ये सोचिए कि जो समाज जिसका 70% आबादी को जमीन नहीं है, दलित के पास 70% दलित के पास जमीन नहीं है, या इतना है जिसका कोई मतलब नहीं है, ये डाटा है, मैं कह रहा हूं अपने घर से नहीं बता रहा हूं, उसको पानी पीने का अधिकार नहीं है, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, वो अगर मछली बेचना शुरू करे तो लोग मछली नहीं खरीदेंगे, किराना का दुकान खोल ले, ग्रोसरी के सामान खरीद ले तो लोग कहेंगे नहीं उसके साथ दुकान से सामान लाएंगे तो व्रत नहीं होगा, उसके यहां शादी विवाह नहीं है, वो घर में खाना नहीं खा सकता है, तो वो उसके उस कम्युनिटी से उसका पक्का का मकान नहीं है, उस कम्युनिटीज के लिए अगर कुछ सीटें रख दी जाती हैं उसकी आबादी के मुताबिक ही है भाई, आबादी से ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि 16% के लिए 90% सीट रखा गया है, तो आपके पेट में खुजली क्यों होती है, आपको क्यों दर्द होता है, बोलिए। अगर आप सोचिए, अगर अंबेडकर साहब ने
अगर रिजर्वेशन और इस तरह की व्यवस्था नहीं रख बनाई होती तो आज भारत का क्या हालत होता, क्या हालत होती बताइए। एक भी आपको दलित दिखते कहीं पे, एक भी पिछड़े समाज के लोग दिखते हैं? हमारे मुसलमान भाई भी जो हैं, जो पासमानदा हैं, वो जो पिछड़े हैं, वो भी ओबीसी ग्रुप में उनको रखा गया है। किसकी वजह से रखा गया बोलिए? नहीं तो ये देने वाले लोग हैं जो ऊंची जाति के मानसिकता से जो लोग ग्रसित हैं, वो कुछ देने वाले हैं। और सुन लीजिए, अगर आप सत्ता में भागीदारी में अगर दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, अगर आपकी डेमोक्रेसी जो है कंसोसिएशनल नहीं है, कंसेंसस डेमोक्रेसी नहीं है, भागीदारी पे आधारित नहीं है, मिलजुल के नहीं चल रही है, सबको साथ लेके नहीं चल रही है, तो टेंशन पैदा होगा उसके अंदर में, नाराजगी बढ़ेगी। कितने दिन आप उस नाराजगी को रोक पाएंगे जरा बताइए? अरे भाई मुर्गी है, रोज एक अंडा खाओगे कि मुर्गी को काट के खा जाओगे, बताओ बोलो। तो भाई तुम जिस कम्युनिटी से हो, अगर तुम्हारी आबादी अगर 5% है और तुमको मान लो 7% भी आबादी मतलब सीट मिल गया, 10% भी मिल गया, 15 भी मिल गया, ठीक है, दूसरों को क्यों तुम रोक रहे हो बताओ? दूसरों से तुमको क्या इतनी मतलब ये है बोलिए? तो मैं यही कह रहा था कि अंबेडकर जी की जो राइटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आके आती है, सामाजिक बुराइयों का क्रिटिसिज्म, और सामाजिक बुराई का जो क्रिटिसिज्म करता है वो अलोकप्रिय हो जाता है, उसको जूते पड़ते हैं उसके समाज में, उसके जूते पड़ेंगे उसके समाज, लेकिन जूते खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा आपको। आपको पता है ना, डॉक्टर अंबेडकर एक पंफलेट पढ़ रहे थे, आर समाज वाले लोगों ने लाहौर में उनको इन्वाइट किया था, आर समाज वाले लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को इन्वाइट किया था एक लेक्चर देने के लिए, जिसका नाम था एनहेलेशन ऑफ कास्ट। आर समाज जैसा एक सुधार में यकीन रखने वाला संस्था भी कहा कि ना पढ़ो भैया, निकल जाओ, मत पढ़ो इसको, टेंशन हो जाएगा। अब वो पंपलेट जिसको आर समाज वालों ने नहीं पढ़ा, अपने मीटिंग में आखिरी टाइम में उस मीटिंग को कैंसिल कर दी, वो एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है कास्ट के बारे में इंडिया में। तो समाज के अंदर में जो बुराई है, अगर जो आदमी उसके ऊपर प्रहार नहीं कर रहा है, वो अपने समाज का नहीं है, वो अपने देश का नहीं है। और दूसरी बात डॉक्टर अंबेडकर की बात यह है कि डेमोक्रेसी का नाम मॉब रूल नहीं है, डेमोक्रेसी का नाम मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है, डेमोक्रेसी का नाम वर्चस्ववाद नहीं है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट जरूर बनती है मेजोरिटी वोट से, लेकिन उसमें जो वंचित तबका है उसके अधिकार को हमें देना होगा, उनके अधिकार को हमको मानना होगा, उनकी बातें हमको माननी होगी, उनकी राय लेनी होगी, उनको डिसीजन मेकिंग में लाना होगा, उनके लोग जो होंगे हर जगह होंगे, पार्लियामेंट में होंगे, कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटीज में होंगे, कोर्ट में होंगे, पुलिस में होंगे, हर जगह होंगे। और डॉक्टर अंबेडकर 1942 में इस बात को कह रहे हैं कि कानून कितना भी अच्छा हो, अगर कानून को इंप्लीमेंट करने वाले लोग अगर वंचित तबके से नहीं आएंगे तो कानून जो है उसका कोई मतलब नहीं है कोई मतलब। मैं पिछले अपनी बातचीत में भी कहा था कि जरा सोचिए, एक महिला के ऊपर हमला हो जाए और महिला पुलिस थाने में जाए और वहां पे उसे कोई ऐसा पुलिस वाला मिल जाए जो कहा क्या है मैडम, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ हो गया तो इतना इशू क्यों बनाती हैं, जाइए घर पे, आप लोग रात को निकलिएगा तो ऐसा नहीं होगा। बोलिए कितना फ्रस्ट्रेशन होगा उस महिला को, उसका जो दुख है कितना बढ़ेगा। लेकिन वही जब पुलिस थाने में जाए और उसे कोई महिला SHO मिल जाए और वो कहेगी बहन मत घबरा, पहले पानी पी, मुझे पता है इस तरह की चीजें यहाँ पे हो रही है और आज तुम्हारी मैं एकदम कंप्लेन लिख रही हूँ तुम्हारी, मैं इन्वेस्टिगेट करूंगी और जो भी तुम्हारे साथ बुरा किया है उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, आप बोलिए उसका कितना उसका कॉन्फिडेंस का लेवल क्या होगा। तो सब समाज के लोग आने चाहिए सिस्टम में, किसी एक समाज का, भारत किसी का है, किसी एक आदमी का है, आप बताइए। तो अंबेडकर साहब के अंदर में ये भी बात है कि प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी, सबकी भागीदारी, सब लोगों की होनी चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर में। कोई एक जात, कोई एक कौम, कोई एक मिल्लत, कोई एक धर्म, कोई एक रंग, कोई एक रिलीजन, इसकी बालादस्ती नहीं होनी चाहिए, इसका वर्चस्व नहीं होनी चाहिए। ये अंबेडकर के अंदर में दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज डॉक्टर अंबेडकर के बीच में है वो ये है कि डेमोक्रेसी का नाम सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है,
अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आपके घर में, अगर आपके घर में मान लीजिए कि आप साहब हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, और आपके घर में एक सफाई करने वाली या खाना बनाने वाली कोई मेड आती है, ठीक है, तो इलेक्शंस के दिन क्या होता है, आप जब वोट डालने डालते हैं तो आपके पीछे वो भी खड़ी होती है, और आप जाके बटन दबाते हैं, पिक पी बटन दबाते हैं, उसका वोट पार्टी ए को चला जाता है, और वो जाती है और बटन दबाती है तो उसका वोट पार्टी बी को चला जाता है। यानी दोनों आदमी को वोट देने का अधिकार है, दोनों आदमी के वोट का वेट जो है उतना ही है। आईएएस ऑफिसर का जो वोट का जो पावर होगा या जो उसका वेट होगा, अगर 1 किलो है, एक है, तो कोई झाड़ू मारने वाली, खाना बनाने वाली, कोई नौकरानी भी है, तो उसका जो वोटिंग, जो वोट जो है, उसका भी वेट 1 ही किलो है, एक ही यूनिट है। लेकिन वोट देने के बाद जब आप घर आती हैं तो आप क्या होता है, आपके घर में पलंग लगा हुआ है, आपके फ्रिज में अच्छे अच्छे खाने रखे हुए हैं, आपके पास कई कई एटीएम कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, आपका अपना फ्लैट है, आपकी अपनी गाड़ी है, आपके घर में एसी है, सब कुछ है, और वो आपके यहाँ खाना बना के, और जब आप सब लोग खा लेते हैं तो जो बचा खुचा होता है उसको खा के और कुछ को एक डब्बे में रख के वो जाती है। आप रहते हैं कॉलोनी में, अमीरों के कॉलोनी में, मान लीजिए बसंत बसंत कुंज में आप रहते हैं, हौज खास में रहते हैं आप जीके में रहते हैं, और वो पास के किसी स्लम में रहती है, वहाँ वो जाती है, उसका बच्चा बीमार है। क्यों उसका बच्चा बीमार है, क्योंकि उसका पेट ठीक नहीं चल रहा है। क्यों पेट ठीक नहीं चल रहा है, कि जो सीवर का पानी आता था उसमें कचरा था, वो अस्पताल जाना चाहती है, लेकिन अस्पताल में बहुत भीड़ है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, कुछ दवाइयाँ उसको फ्री में मिल गई, कुछ दवाइयाँ उसके लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर ने कहा कि इसको साफ पानी पिलाओ, इसको अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, उसके पास नहीं है, वो परेशान है, तो क्या है सोचिए। और वो चूंकि स्लम में रहती है तो उसके साथ लोग भेदभाव भी करते हैं कि ये गंदी है, फिर लोग ये भी कहते हैं चोरी करके लेके जाती है, खाना चोरी करके लेके जाती है, उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। फिल्मों में नहीं देखा आपने कि जब चोरी होता है घर में, बड़े लोगों के घर में, तो इल्ज़ाम सबसे पहले नौकर के ऊपर लगता है, लेकिन चोरी कौन किया, अमीर बाप का बेटा, और बदनाम किया जाता है नौकर को। तो जो नौकर हैं वो चोरी भी करते हैं, वो गंदे भी रहते हैं, वो खाना भी चोरी करके लाते हैं, वो बीमार भी हैं, वो गरीब भी हैं। अच्छा, तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है भाई, कि जहां पे वोटिंग अधिकार तो दोनों के एक है लेकिन जिंदगी दोनों की अलग अलग है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देखो, पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 में चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बिहारी हो, चाहे आपको बंगाली हो, चाहे तमिलियन हो, चाहे आपको मणिपुर का हो, सबको हमने वोटिंग राइट्स तो दे दी, लेकिन अगर हमने सामाजिक न्याय नहीं किया, अगर हमने आर्थिक तौर पर न्याय नहीं किया, हमने सबको बराबरी लाने के लिए सरकार ने अस्पताल नहीं खोले, स्कूल नहीं खोले, सबके लिए बराबरी का मौका नहीं दिया गया, एक सोशलिस्ट टाइप की सिस्टम नहीं हुई, तो वो तो जो आपको स्लम में रहने वाली जो नौकरानी हो तो पूरी जिंदगी नौकरानी ही रहेगी। बोलिए तो कैसी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का नाम सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है, डेमोक्रेसी का नाम सोशल इक्वालिटी भी है, डेमोक्रेसी का नाम आपको सामाजिक इक्वालिटी भी है, सोशल इक्वालिटी है और इकोनॉमिक इक्वालिटी है। और इसीलिए अम्बेडकर साहब एक जगह कह रहे हैं कि अगर सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी अगर लागू नहीं किया गया तो सबसे पहले आदमी होंगे जो इस संविधान को जलाएंगे, उन्होंने कहा। लेकिन आजकल कोई बात नहीं कर रहा है कि सोशल इक्वालिटी क्यों नहीं है, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्यों नहीं है, कोई कोई कर रहा है। 80 रुपये प्याज मिल रहा है, 70 रुपये प्याज मिल रहा है, 80 रुपये टमाटर मिल रहा है, कोरोना का टेस्ट कहीं नहीं है, आलू भी 50 रुपये किलो या 40 रुपये या 60 रुपये किलो है आलू है, दूध की कीमत आप देखते ही हैं,
रूम का किराया जो है कोरोना में कुछ कम नहीं हुआ, कहीं कम नहीं हुआ, कोरोना में कोई जॉब नहीं है, और मास्क नहीं लगाने पे सुना है कि 500 से बढ़ा के फाइन 2000 कर दिया गया। कोई स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और अंबेडकर साहब क्या कर रहे हैं कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोरोना आया तो थाली बजाओ, घंटी बजाओ। कोरोना 18 दिन में युद्ध में, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, 21 दिन चलेगा। अरे 21 दिन के अंदर में युद्ध को समाप्त कर रहे थे, साल भर हो गया, गायब है। कोरोना के बारे में अखबार में भी खबर नहीं आ रही है, मगर मास्क पे पैसा बढ़ गया। एक खबर आई थी उत्तर प्रदेश से, हंसना मत भाइयों, कि बकरी ने मास्क नहीं लगाया, बकरी ने मास्क नहीं लगाया था, उसको थाने में लेके गया गया, उससे फाइन लिया गया। ये आई थी खबर, आप गूगल कर लीजिए, ऐसी आई थी खबर। तो कोई हमसे ये कह रहा था कि अगर मास्क नहीं लगाने से, अगर मान लीजिए हम सिटीजन हैं, हम नागरिक हैं, अगर हम कोताही कर रहे हैं तो हमको से 5000 नहीं 2000 रुपये लिया जा रहा है फाइन। तो जो अस्पताल नहीं बनाया है, जो जो स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे रहा है, उससे कितना लिया जाए फाइन, बताइए, बोलिए। अगर हम स्कूल का फीस या कॉलेज का फीस टाइम पर नहीं भरते हैं तो 100 रुपये या 200 रुपये डेली हमसे जेल में लिया जाता है। आ हम वहां से पीएचडी करने के बाद 2 साल से बैठे हुए हैं, कोई नौकरी नहीं है, तो हमको 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 भी तो कोई दो भाई, हमको भी तो कुछ दो, महंगाई भत्ता दो, कुछ दो, हमारे लिए भी तो कोई नौकरी लगाओ। तो सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अंबेडकर साहब ने क्या कहा कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट सोशलिज्म होगा, स्टेट सोशलिज्म होगा। जो शिक्षा का मामला है, जो आपका स्वास्थ्य का जो मामला है, जो आपका नौकरी का मामला है, ये सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी, है सरकार की क्या है कोई जिम्मेदारी, और सरकार जो है समाज में सुधार भी करेगी। कहां हो रहा है सुधार, आप बताइए। बहुत लोगों को मेरी बात बहुत बुरी लगेगी कि ये अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है, 21वीं सदी में अनटचेबिलिटी है, किस, कोई कह सकता ना, ए किस जमाने में आप, अनटचेबिलिटी कब की खत्म हो गई, कास्ट खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं, एक सर्वे आया था 2014-15 में, आप लोग कहिएगा तो कमेंट बॉक्स में मैं उसको शेयर कर दूंगा। उसमें ये बात आई थी कि 25% लोग अभी भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में, और पढ़े लिखे भी उसमें शामिल है, और अनटचेबिलिटी यूरोप तक चला गया है। जो लोग अपर कास्ट लोग यूरोप और इंग्लैंड में जाकर आ रहे हैं, वहां भी वो लोग अनटचेबिलिटी कर रहे हैं, वहां पे सब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कम भी हुआ होगा, लेकिन अभी भी है, कोई नहीं कह सकता है कि ये खत्म हो गया पूरी तरह से। कॉलोनी के अंदर में चले जाइए, जहां जहां कॉलोनी है, जहां ऊंची जाति के लोग और पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, क्या मेल मिलाप है उनके बीच में? पहले तो उधर अंदर उनको दाखिला नहीं देंगे, उनको जाने नहीं देंगे, अगर चले भी गए तो उनके साथ कोई मेल मिलाप नहीं। गोपाल गुरु ने लिखा है इसके बारे में, गोपाल गुरु ने, कि कॉलोनीज के अंदर में किस तरह दलित को बराबर नहीं समझा जाता। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो की जो विचारधारा है, ये विचारधारा अगर मुझसे पूछेंगे तो जो मुख्य है, सामाजिक बुराइयों से लड़ो, सामाजिक सुधार के लिए लड़ो, जात पात को खत्म करो, भाईचारे को बढ़ाओ, धार्मिक कर्मकांड से दूर रहो, बंधुत्व की बात करो, ये इनका मेन एजेंडा है। फिर उनका दूसरा एजेंडा क्या है? डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र में चुनाव होगा, बहुमत की सरकार होगी, मगर इसमें एक समाज, एक तबका, एक धर्म इस पे अपनी मनमानी नहीं चलाएगा, अपना वर्चस्व नहीं चलाएगा, वो सबको लेके चलेगा, सबकी बात सुनेगा, सबको बराबर का प्रतिनिधित्व देगा, क्योंकि कानून बेहतर भी होगा, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अगर आपके समाज के नहीं होंगे तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। अब JNU को लीजिए, इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है, इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग लोअर कास्ट जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छा अच्छा नंबर लाते थे, और इंटरव्यू में जाते थे तो उनको कम नंबर मिल जाता। क्यों कम नंबर मिल जाता? क्योंकि आपको लगता है आपके दिमाग में बैठा हुआ है, वो स्टेशन मास्टर की तरह, जो अंबेडकर साहब से मुलाकात हुई थी स्टेशन मास्टर की तरह, कि अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो ब्राह्मण होगा, कोई तेज है तो कोई ब्राह्मण होगा, अगर कोई दलित ज्ञान की बात कर रहे थे इसका मतलब वो उसको कुछ नहीं आता, इसको फेल करा दो,
ये मेंटालिटी अभी भी है लोगों के अंदर में। तो सामाजिक बुराई से लड़ना है, और दूसरी चीज क्या है, सबको साथ लेके चलना है, सबको प्रतिनिधित्व देना है, समाज के हाशिए पे लोगों के बारे में बात सोचना है, और तीसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी का मतलब मेजोरिटेरियन रूल नहीं होता है। डेमोक्रेसी एक संविधान से चलना होगा, डेमोक्रेसी को सरकार को संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा, संविधान के मुताबिक चलना पड़ेगा। संविधान में जो व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है, उसको अधिकार दिए गए हैं, उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। जुडिशियरी का काम है कि व्यक्ति की आजादी के लिए वो एकदम बिल्कुल चौकन्ना रहे। आप देखिए देश में कितने पत्रकार हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, कितने एक्टिविस्ट हैं जो जेल में पड़े हुए हैं मामूली मामूली बातों पे। डॉक्टर कफील के साथ क्या हुआ बताइए, क्या हुआ डॉक्टर कफील के साथ? वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए पिछले साल दिसंबर में, कोई भाषण दिया, आपने उनको जेल के अंदर में डाल दिया, 7-8 महीने बेचारे वहां पर रहे, रोए गाए सब कुछ हुआ, एक एक रूम में 100-100 लोगों को रखा गया, कोरोना टाइम में भी रखा गया, जहां पे पूरी दुनिया में लोगों को छोड़ा जा रहा था कोरोना टाइम में, वहां जेल हमारी भरी हुई है। और बाद में क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, अरे भाई इनका जो स्पीच था कफील साहब का वो देश विरोधी नहीं था, ये तो देश को जोड़ने वाला था। सुनिए अदालत ने क्या कहा। आप किसी भी स्टूडेंट को, लीडर को, कोई अगर अपनी बात रखता है, अगर सरकार के साथ उसकी उस, 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 उसको उस, उसकी ये है विरोध है किसी इशू को लेकर, उसको जेल के अंदर में डाल दीजिए। और संविधान की बात, एक और बात आखिरी करके मैं खत्म करूंगा कि संविधान की बात आजकल बहुत कुछ लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं, कुछ लोग देशद्रोही हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जो सर्टिफिकेट देशभक्ति का बांटते हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आप जब संविधान बन रहा था और जब संविधान लागू हो रहा था उस दौर के अखबार को आप उठा के देख लीजिए, यही लोग थे जो संविधान का विरोध करते थे और उनके दिल में था कि यहां पे मनु स्मृति को संविधान बनाया जाए। अगर आपको लगता है कि मेरी बात गलत है तो मैं किताब का हवाला देना चाहता हूं, एजी नूरानी साहब की किताब सावरकर के ऊपर जो लिखी गई है, उस किताब को आप देखिए उसमें, और भी सारी उनकी राइटिंग के अंदर में देखिए, राम पुनियानी की राइटिंग को देखिए, ये जो वहां पे जो ऊंची जाति के जो मतलब वर्चस्व जो ग्रसित लोग हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं लगता है अरे ये संविधान तो थोड़ा विदेशी टाइप का बन गया, बाहर की बातें आ गई, हमारे यहाँ क्या कमी था, मनुस्मृति लागू हो गया होता, इस तरह की बातें हो रही हैं। आपको मैं बता दूं कि हिंदी का एक बहुत ही मशहूर अखबार हिंदुस्तान, उसने कुछ दिन पहले 2-4 रोज पहले इलाहाबाद के एडिशन से और प्रयागराज के एडिशन से एक फुल पेज का एडवर्टीजमेंट छापा जिसमें एक साहब कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए वो मंगलमय कामना कर रहे हैं, और ये अखबार छाप रहा है, आप अभी गूगल करके उसको सर्च कर लीजिए, 23 तारीख की शायद बात है। तो संविधान के विरोध में भी शक्तियां बहुत ज्यादा तत्पर हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत से ही संविधान को बनाया, उसको भी उलटने के लिए शक्तियां जो हैं वो बहुत ये है तेजी से काम कर रहे हैं। इसलिए भाइयों मैं आखिर में मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को एक बेहतर समाज बनाना है, हम लोगों को सबको साथ लेके चलना है, इंसान जो है वही सबसे बड़ा है, इंसान का जो धर्म है वो इंसानियत है, ना कोई दलित है ना कोई ऊंची जाति का है, ये सब चीज़ हम लोगों ने आपस में बाँट दिया है, यहाँ पर हमने आपस में यहाँ पर लोगों को बाँट दिया है, आपको सब लोग एक ही तरह का है और उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं है। जो इनइक्वालिटीज़ है, हम सब लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, जो इनइक्वालिटी है, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है, वो कोई ऊपर से लादी हुई चीज़ नहीं है, ये हमने खुद पैदा कर दिया है, और इसका किसी को फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे किसी को फ़ायदा नहीं है। कुछ चंद लोग जो हैं 2-4% लोग, वो अपने फ़ायदे के लिए इस सिस्टम को चला रहे हैं, और अम्बेडकर साहब की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उन्होंने एक ऐसे समाज में पैदा लिया जो कि बहुत दिनों से सताया हुआ था, और उन्होंने अपनी मेहनत से, उन्होंने पढ़ाई की, ज्ञान अर्जन किया, अब पब्लिक लाइफ में रहे हैं, पूरी जिंदगी लिखे पढ़े, तरह तरह की उन्होंने परेशानियों का सामना किया, लेकिन आखिर में जो उन्होंने बात की, या पूरी जिंदगी जो उन्होंने बात की,
वो बंधुत्व की बात की, उनके अंदर में सांप्रदायिकता, उनके अंदर में भेदभाव, उनके अंदर में नफरत, उनके अंदर में दुश्मनी, उनके अंदर में दूरियां नहीं है, उनके अंदर में प्रेम है, उनके अंदर में बंधुत्व है, सोशल सोशल ब्रदरहुड है उनके अंदर में। रिलीजन के बारे में भी यही कहते हैं कि रिलीजन हमने बुद्धिज्म इसलिए चुना या बुद्धिज्म की तरफ हम इसलिए गए क्योंकि ये रिलीजन पाखंड नहीं है, ये रिलीजन मतलब सुपर नेचुरल कैरेक्टर की बात नहीं करता है, भूत प्रेत की बात नहीं करता है, ये रिलीजन एक बंधुत्व की बात करता है, एक साथ रहने की बात करता है, ये रैशनल रिलीजन है। तो अंबेडकर साहब के अंदर में जो आइडिया है वो इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी का आइडिया है, उसको सबको साथ लेकर चलने के लिए उनका आइडिया है, एक मॉडर्न ख्याल उनके साथ है, उनके साथ। तो मैंने सोचा कि मैं जो भी पढ़ा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में वो आप लोगों से साझा करूँ, और डॉक्टर अम्बेडकर को बगैर पढ़े और बगैर समझे भारत का कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचार है वो काफ़ी फैल गया है, काफ़ी लोग जान रहे हैं, पहले की तरह नहीं है, लेकिन उसके साथ एक खतरा भी है कि जो लोगों को अम्बेडकर के विचारधारा से कोई सरोकार नहीं है वो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं और वो अम्बेडकर के बारे में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले मतलब शो में और आने वाले डिस्कशन में मैं अम्बेडकर के एक एक लेखनी को मैं लेके अब इस पर डिटेल से मैं बात करूँगा और आप लोग भी अपनी राय यहाँ पर दीजिए। और एक बार हम लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं 5-6 महीने में हम अम्बेडकर साहब की सारी रीडिंग्स को पढ़ते हैं, एक हफ्ता या अपन या 10 दिन या 15 दिन पे या 2-4 दिन में जब भी टाइम हो तो हम लोग मिले और मैं आपको एक एक टेक्स्ट को यहाँ पे दे दूंगा, आप भी उसको पढ़िए और हम सब लोग मिलके एक एक बेहतरीन भारत और एक ऐसा भारत जहाँ पे नफरत ना हो, जहाँ पे धार्मिक उन्माद ना हो, जहाँ पे मतलब जात पात की खाई ना हो, जहाँ पे ऊंच नीच ना हो, जहाँ पे महिलाओं का शोषण ना किया जाए, जहाँ पे विधवाओं के साथ मतलब उनका शोषण ना किया जाए, जहाँ पे एक रियली में इगलिटेरियन इंडिया बने, एक प्रबुद्ध भारत बने, इसकी तरफ हम कोशिश करें। और अम्बेडकर जी की जो ज़िंदगी है और अम्बेडकर जी की जो विचार हैं उससे हम सीखें। आप लोग इतने देर तक बने रहें, मेरी बात सुनते रहें, हो सकता है कि मैं आज बहुत प्रिपेयर नहीं हूँ लेकिन मैंने सोचा कि आज बहुत ही अच्छा दिन है तो आज ही से शुरू कर दी जाए। और मैंने जो भी समझा अम्बेडकर जी के बारे में दिल से, मैंने आपको आपके साथ उसका जो निचोड़ है वो मैंने उसके साथ साझा किया। आप लोग अपने कमेंट मुझे भेजिए और अपनी राय भी दीजिए और आप लोग भी इसमें भाग लीजिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं अभय कुमार आपका एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग फिर मिलेंगे आपसे और जब अगला प्रोग्राम करूँगा मैं, अगली बात रखूँगा डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर में, आपको ज़रूर बताऊँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अम्बेडकर की पूरी रीडिंग की हम लोग एक एक करके इसमें चर्चा करें और जो लोग अम्बेडकर की मतलब विचार से जो लोग एग्री नहीं करते हैं वो लोग भी मतलब आएँ और वो लोग भी अपने जो प्रश्न है उसको यहाँ पर रखें। सो थैंक यू वेरी मच जी।